अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सायमा रेजिडेंशिया का के प्रोजेक्ट पे दोबारा आए हैं ये चेक करने की क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि काफ़ी अर्से पहले इसकी वीडियो हमने लोड की थी, उस वक्त की प्रोग्रेस और अभी की प्रोग्रेस में आपको फ़र्क दिखना चाहिए। ये देखें, ये ब्लॉक 2 और 4 है। 4 जो है उसका अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है और 2 में भी काफ़ी काम है। तो जो 1 और 2 है उसकी लॉन्चिंग इन्होंने कहा है, सॉरी उसकी जो पोजीशन है वो फरवरी का प्लान है और मैक्सिमम मार्च तक इन्होंने कहा है कि हमने इसको हैंडओवर करना है। 3 और 4 को, ये पीछे वाले दो जो ब्लॉक हैं 3 और 4, इसकी इन्होंने कहा है कि इनकी पोजीशन देनी है, और 1 और 2 की जुलाई में। और ये जो दो ब्लॉक हैं 5 और 6, इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और इसका प्लान इनका है अभी से 2 साल, मतलब कि 2025 में ये प्रोजेक्ट जो है वो इसकी पोजीशन देंगे 5 और 6 की। तो जब तक तो भाई पेमेंट्स वगैरह भी सारी इसकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और ये सामने 5 है और ये इसके बराबर में 6 है, और ये जिसकी डिगिंग हो रही है ये सायमा ड्रीम्स है, और इसके पीछे ये किंग्स के बैंगलोज हैं और सायमा इलीट के बैंगलोज हैं। सायमा रेजिडेंशिया के बेसमेंट कंप्लीट है, ग्राउंड कंप्लीट है और फर्स्ट की अब छत डलेगी, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर की छत है। इस असल में यही फ्लोर है जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर होगा, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर होगा, क्योंकि इसका जो सारा पार्क है, वॉकिंग एरियाज हैं, सारे जो जॉगिंग ट्रैक्स हैं वो सारा कुछ इसके ऊपर है, इस छत के ऊपर है। और जो नीचे है ना, ये जो नज़र आ रहा है आपको, जिसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, टेक्निकली जो असल में जो ग्राउंड फ्लोर है वो पार्किंग है और बेसमेंट भी पार्किंग है। प्रोग्रेस तो बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। जब 1-2 की पोजीशन दे देंगे ये, तो ऑब्वियसली इसके प्राइसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये बात तो आप लोगों को भी शायद अंदाज़ा होगा कि जब भी किसी अपार्टमेंट की पोजीशन आती है तो उसके प्राइसेस बढ़ते नहीं हैं, इनिशियली कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपार्टमेंट तो एक साथ सेलिंग के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब ग्रेजुअली पोजीशन दी जाएगी, 1 और 2 की पहले देंगे, तो जब 1 और 2 की पहले पोजीशन देंगे तो वो पहले एक्यूपाई होगा, उसमें लोग आ जाएंगे, रहने लगेंगे, फिर 3 और 4 की पोजीशन, सॉरी 3 और 4 की पहले दे देंगे, फिर 1 और 2 की जब देंगे तो उस वक्त इतना लोड नहीं होगा मार्केट में, सेलिंग प्रेशर नहीं होगा, तो फिर जब ये 4 की हो जाएगी तो उसके बाद 5 और 6 की आएगी। तो मेरे ख्याल से 5 और 6 इस वक्त सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो सबसे लुक्रेटिव है, या जिसको बोला जाए कि बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, वो 5 और 6 है। तो 5 और 6 में इन्वेस्टमेंट करें और 2 साल के बाद आपको उसकी पोजीशन मिलेगी, और उस वक्त इसके जो बाकी 4 ब्लॉक्स हैं उनका सेलिंग प्रेशर भी नहीं होगा इनके ऊपर, तो इसको आप आराम से बेच सकते हैं। ये सामने कैपिटल सोसाइटी नज़र आ रही है आपको, ये कैपिटल है, ये नुमान रेजिडेंशिया बिल्डिंग है, ये किंग्स के प्रोजेक्ट किंग्स के विलाज हैं, और यहाँ से अगर देखें तो ये सायमा विलाज है, ये हो गया, और ये सामने जो है कैंट पर जो एक प्रोजेक्ट है, ये वो है अल असर ग्रुप ऑफ कंपनीज का कैंट पर शॉपिंग मॉल, इसके बराबर में ट्यूलिप टावर्स है। तो लोकेशन तो ये बहुत अच्छी है, और ये रोड जो है आपको पता ही है, ये रिमझिम टावर सफूरा चौरंगी रिमझिम टावर से आ रही है और सीधी नॉन स्टॉप जमाली पुल सुपर हाईवे जा रही है। तो चलें, अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ये हमने प्रोग्रेस देनी थी आपको, वो देखें, वो ट्यूलिप टावर नज़र आ रहे हैं, वो ट्यूलिप टावर है, ये सायमा रेजिडेंशिया का ऑफिस है और ये सायमा ड्रीम्स का ऑफिस है। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।